आगे बढ़ते हैं। कोटा एसीबी ने जयपुर में कार्रवाई की। सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तरुण गुर्जर ने लाइसेंस के नवीनीकरण करने के अवज में 48,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ऐसे में एसीबी कोटा के निरीक्षक नरेश चौहान की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने शिकायत से पहले परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत वसूल की थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कार्रवाई के दौरान की, किस तरीके से जो नोट पर कलर लगाया गया था उसकी जांच करते हुए 20,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है। फर्म का लाइसेंस नवीनीकरण करने के अवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। कोटा एसीबी की जयपुर में कार्रवाई, सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर ट्रैप किया गया है। राजधानी जयपुर में आज कोटा एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत निरीक्षण का सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया है। मेरे सहयोगी आप नरेंद्र हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आरोपी है उससे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी का नाम तरुण गुर्जर है, जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय विद्युत निरीक्षण जयपुर में लगे हुए थे और परिवादी से 48,000 रुपये की घूस मांगी गई थी। दरअसल एक परिवादी था, उसकी फर्म के लाइसेंस को नवीनीकरण करने की एवज में तरुण गुर्जर सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने रिश्वत की डिमांड की थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो आरोपी का घर है वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश हमेन के निर्देश पर आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जो कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी हैं विजय सोनकार और उनके जो सीआई हैं नरेश चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ एसीबी के जो सीआई हैं नरेश चौहान, वो मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई है, क्या इनपुट मिला था, उसके आधार पर आपने कार्रवाई को अंजाम दिया? ये हमारे कोटा के परिवादी थे, जिनका एक कोई फर्म था जो बिजली के ठेकेदारी का काम करते थे। जुलाई में इनका नवीनीकरण के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी और वो एप्लीकेशन तरुण जी के पास पेंडिंग थी। इसके लिए बहुत सारे चक्कर काटे। जब इन्होंने बाकी बात करी तो उसकी तरुण गुर्जर ने उसकी 48,000 रुपये उनसे रिश्वत की डिमांड करी, जबकि इसकी वास्तविक फीस 4,500 रुपये जैसा कि बताया गया है। तो इसके बाद में फिर इनकी लगातार जैसे वार्ता हुई थी, एक नौ को तरुण गुर्जर के खिलाफ परिवादी ने कोटा में शिकायत दी, जिसकी 6 नौ को सत्यापन किया गया और आज इनको रंगे हाथों 20,000 लेते हुए तरुण गुर्जर को विद्युत निरीक्षणालय जयपुर में ट्रैप किया गया। सर, इस पूरे प्रकरण में और किसी की भूमिका है या फिर फिलहाल एक ही आरोपी है? नहीं, इसमें जैसे कि उन्होंने तरुण गुर्जर ने ये कहा था कि ऊपर भी देने पड़ते हैं, तो ये अभी हम ये अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें आगे क्या होना है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर जो तरुण गुर्जर के अलावा उच्च अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल इस पूरे मामले की अब एसीबी जाँच कर रही है और जाँच के बाद इसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है एसीबी की टीम कोर्ट से इसका रिमांड मांगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।